learn chapter number 1 in Golden Grammar. Chapter number name is sentences, phrases and clauses. What is the meaning of sentence? So, first of all, sentence ki definition kya hai? Sentence kya hota hai? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence kya hota hai? To jisme bahut sare words se uska group banta hai aur jo bhi sentence likha jata hai wo complete sense mein likha jata hai. It means uske likhne ke baad uska koi meaning hai wo create hota hai. Jisse kehte hai sentence. A sentence always begins with a capital letter. Koi bhi sentence hota hai jiska first word hota hai wo always monkeys.
कोई डिफरेंस हुआ तो हमारी बात ये है इसमें, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, विल है वो है हेल्पिंग वर्ब, विजिट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस कौन से, तो हमारे टेंस में और हमारे प्री टेंस के मेन जो टेंस है उसमें बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है, एंड इज आर वॉज वेयर सेल विल हैव हैज डू डस डिड, ये सभी है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब है जिसकी हमें मेन वर्ब के बिफोर हेल्प लेनी पड़ती है, उसके आफ्टर में लिखा है विल विल विजिट, हम विजिट लेंगे, किसकी विजिट लेंगे, चू की, तो ये हुआ चू ऑब्जेक्ट, चू में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मतलब हम चू में जाएंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, नेक्स्ट में कब जाएंगे तो नेक्स्ट चाहेंगे, तो वैसे तो ये हमारा फ्रेज होता है और इसे टाइम वर्ड्स भी बोला जाता है, तो हमारा सेंटेंस ऐसे होता है वी विल विजिट द जू नेक्स्ट वीक, तो ये कंप्लीट सेंस है इसलिए ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस का आ जाता है, तो ये तीनों एग्जांपल है वो है सेंटेंस के एग्जांपल, तो सेंटेंस के एग्जांपल में फर्स्ट वर्ड्स कैपिटल लिखा गया है, लास्ट और मीनिंगफुल सेंस में लिखा गया है इसलिए इसे कहते हैं सेंटेंस, तो ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल। नेक्स्ट है फ्रेज, फ्रेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस, फ्रेज ऐसा होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन सम सेंस, इट मींस उसमें कोई मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन कुछ बहुत ही नॉर्मल ही सेंस निकलता है बट नॉट कॉम्प्लीट सेंस, जैसे कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लीट सेंस दिया गया है ऐसे फ्रेज में कॉम्प्लीट सेंस क्लियर नहीं होता, तो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, सेंटेंस ऐसा होता है सॉरी फ्रेज ऐसा होता है इज अ पार्ट सेंटेंस का लार्ज पार्ट होता है इसमें बट does not have its own subject and predicate, लेकिन उसमें subject and predicate नहीं दिया जाता, the phrases in the sentences given above are, ऐसे phrases के वो आपको example के form में दिए गए हैं, like, in animal, आपने देखा इस before के आपके sentence क्या था, तो he bear growl in anger, तो anger है, object तो है, लेकिन उसका भाव के सामने तो ये और फ्रेज तो ओनली इन एंगर आपको दिया गया होता तो कौन गुस्सा हुआ तो वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है वर्ब नहीं है, तो इसे कहते हैं फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब डिस्क्राइब नहीं किया होता और जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंस क्लियर नहीं हुआ होता, इनकॉम्प्लेक्स सेंस में होता है। सेकंड एग्जांपल है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन यानी अभी और बाद में, नाउ एंड देन मींस टाइम और प्रेस किया जाता है इसे, तो वी सो मॉम इज नाउ एंड देन ये कभी को सेंटेंस लाइक ओनली नाउ एंड देन लेकिन अभी और बाद में, लेकिन क्या किसकी बात है, तो हमने मम्मी को देखा, जब भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज करोगे तभी ये कंप्लीट सेंस होगा, तो नाउ एंड देन इट इज नॉट कंप्लीट सेंस सो इट इज अ फ्रेज। लास्ट नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट वीक की बात है, तो किसकी बात है, वी विल विजिट दिस नेक्स्ट वीक, लेकिन क्या करने हैं, हम अहमदाबाद जाने वाले हैं या फिर स्कूल जाने वाले हैं या फिर जू जाने वाले हैं, किसके विजिट करने वाले हैं, तो वो सेंटेंस में बताया नहीं, ओनली ऐसा ही कहा है नेक्स्ट वीक, क्या नॉट अ वर्ब बट अ सब्जेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट सेंस सो इट इज अ फ्रेज, तो फ्रेज में आपको ये रिमेंबर रखना है कि सेंटेंस है इनकम्प्लीट सेंस में होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इनमें प्रेडिकेट डिस्क्राइब नहीं किया होता, कहते हैं फ्रेज। ये
connected to another clause. Clause क्या होता है? तो another clause के साथ, it means दूसरे sentence के साथ जो sentence connect किया जाता है, तभी वो बनता है clause. उसको connect करने के लिए most of conjunction का use किया जाता है. जैसे कि there, for, so, because, that, when, whom, ये सभी है वो हमारे conjunction है. तो clause को connect करने के लिए two sentences होते हैं और दोनों को connect करने के लिए conjunction का use करना है, तभी ये बनता है clause. Like the bear growl because it was angry. Bear है, क्या करना? Growl it means घुरकना. तो वो घुरकता था क्यों? तो because it is a conjunction. तो वो conjunction है वो यहाँ पे join किया गया है. It was angry, वो घुरकता था क्यों? तो उसका reason है वो angry हो गया था, वो गुस्सा हो गया था. तो दोनों sentence को connect करने के लिए conjunction use किया गया है because, so that is a clause. Second sentence. We saw monkeys that swam on cliffs. We saw monkeys. It means first sentence main clause है आपका कि हमने monkey को देखा. That कि जो swam on cliffs. What is first swam हो रहा था? जिसके हमने swam होते हुए देखा. It means झूलते हुए हमने देखा cliffs पर. ये हुआ आपका second clause. तो first था main clause. सेकंड है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज. तो दोनों क्लोज को कंजक्शन से कनेक्ट किया तो इसे बोलते हैं यहाँ पे क्लोज. लास्ट एंड थर्ड है मामू से दैट वी हैड विजिट द ज़ू. मामू ने कहा कि दैट इट मींस कि क्या कहा? वी हैड विजिट द ज़ू. हमने ज़ू की विजिट ली थी. इट मींस पहले पास्ट पार्टिसिपल की उन्होंने बात की past perfect tense के पहले की जो visit उन्होंने छुट्टी ली वो पहले की बात है वो बता दें तो वो हुआ आपका past perfect tense. We had visited the zoo. तो दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हो मनु से मनु इट मींस सब्जेक्ट सेड इट मींस कहना तो वो हुआ पर फिर कंजक्शन दैट फिर वापस सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज किया गया है. We plus had plus visit. तो वी सब्जेक्ट हेड है वो हेल्पिंग वर्ब एंड विजिट है वो मेन वर्ब. ही ज़ू किसकी विजिट थी? ज़ू की विजिट थी वो होगा ऑब्जेक्ट. दो क्लॉजेस कनेक्ट किए कंजक्शन से कनेक्ट किए उसे कहते हैं क्लॉज. क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें टू सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है जिसे कहते हैं क्लॉज. तो फर्स्ट sentence, it means meaningful sentence, जिसमें subject, verb, object, meaningful form में लिखा जाता है. Phrases, जिसमें incomplete sentence होता है, जिसमें only phrase लिखा जाता है, उसका कोई meaning है, वो complete sentence में clear नहीं होता. And clause है, जिसमें two sentences, main clause, subordinate clause, two sentences लिखे जाते हैं, जिसमें subject and verb का involvement और कंजक्शन से वो सेंटेंस कनेक्ट होता है जिसे कहते हैं क्लोज. तो यहाँ पे जो सेंटेंस फ्रेज एंड क्लोजेस के लिए हमने ऐसा और उसके एग्जांपल हमने इसमें लिए और उसकी रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी है. अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
वर्ब दोनों इन्वॉल्वमेंट है इसमें। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, टाइम की बात की गई है, तो वो हुआ आपका फ्रेंड्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। फ्रेजेस में हमें ये ही रिमेंबर रखना है कि हमारे फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब आता नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब आता है वो हमारा फ्रेज नहीं हो सकता। ओके, और फोर्थ है दे अराइव 10 मिनट्स एगो, तो दे सब्जेक्ट, अराइव मींस पहुंच, तो वो हुआ वर्ब, दिस वर्ब 10 मिनट्स एगो, 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट्स एगो वो हुआ आपका फ्रेज। No one was allowed. इसका इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो सेंटेंस होता
या
incomplete. So incomplete sense, it is not a subject, not a verb. So this is a phrase. So exercise 2 में first sentence का answer है phrase. Phrase it means answer P. Second sentence. I am packing this space to send to my grandmother. I am packing. मैंने packing किया. This space. Sounded. Sounded. Yeah, how was she?
Bob to my brother. तो आपको Bob sentence में दिया गया है, इसलिए this is a clause. एक का right answer होता है clause. Ninth sentence में पूरे sentence के नीचे underline किए हैं stop. So this is a sentence.